तो नमस्कार, मैं लोग बहादुर। मैं आज आपको ब्रेड पकौड़ा बनाने सिखाऊंगा, होममेड होगी ये। मैंने आलू बॉईल करके एक आलू को चार चार पांच पांच पीस में काट के रखा है, ठीक है जी। ये मटर है, ये धनिया, अदरक, हरी मिर्च है। ये मैंने तेल कढ़ाई चढ़ा रखी है, तेल डाल रखी है, ठीक है जी। तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं डालूंगा, देख लीजिए, एक चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें डाल दूंगा कटा हुआ अदरक, जीरा और थोड़ा हरी मिर्च। इसके साथ साथ मैं डाल दूंगा इसमें मटर। ये देखिए, मैंने मटर थोड़े से लिए हैं, कच्चे मटर है। और मटर थोड़ा पड़कते हैं तो इसको थोड़ा सा ढक्कन दे रहा हूँ ताकि ये मटर तेल में आके फ्राई होते हैं तो बाहर ना निकले। इसमें मैं डालूंगा आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ होममेड है, एक चम्मच जीरा पाउडर, ठीक है जी। ये डालनी है, ये मसाला हो गया है। इसके साथ ही मैं डाल रहा हूँ आलू जो मैंने काट के रखे थे। बढ़िया मसाला बन रहा है। अब मैं डाल रहा हूँ आपको इसमें स्वाद अनुसार नमक, देखिए एक चम्मच, इसके चम्मच से मैं डाल रहा हूँ नमक। देखिए दोस्तों, ये मसाला बनके तैयार हो चुका है। हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, देख लीजिए हरा धनिया डालेंगे, ठीक है जी। हरा धनिया डाल दिए, अब थोड़ा सा चला दे। आपका अंदर का स्टेपनी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस हम कर देंगे बंद, इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है जी। इसको हम रखते हैं। हाँ जी दोस्तों, हमने स्टेपनी बना के तैयार कर दिया। मैंने बेसन ली है, बेसन करीब आधा किलो के आसपास है, ठीक है जी। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, अजवाइन होगा आपका दो चम्मच के आसपास डालना है अजवाइन बेसन में, ठीक है जी। और हरा धनिया थोड़ा, कितना हरा धनिया डालना है, और आपको डालना है इसमें एक चम्मच जीरा, ठीक है जी। दो चम्मच के आसपास लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और आधा पौने चम्मच आपका धनिया पाउडर, और हल्दी कलर के लिए, थोड़ा कलर इसका अच्छा आता है इसलिए थोड़ा सा आधा से आधा चम्मच ये डाल देते हैं। मसाले हो गए जी आपका, और मैं इसमें डालूंगा, ये देखिए मैंने तेल इधर चढ़ा रखा है कढ़ाई में, तेल थोड़ा सा इसमें से मैं तेल लूंगा, इसी में से लूंगा, ये देखिए हल्का सा मैंने तेल दिया है इसमें से, करीब ऐसे चम्मच के हिसाब से कहेंगे तो चार तीन चम्मच ऑयल होगा। अब हम डालते हैं इसमें आपको नमक, नमक स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे।
पानी इसको कम कम करके डालना है, एकदम से ज्यादा मत डालिएगा नहीं फिर ये हो जाएगा। ऐसे हो गई, इसको थोड़ा फेंटना है हाथ से टाइट टाइट में ताकि इसमें दाने ना पड़ जाएं। देखिए पूरा फेंट गया है, ठीक है जी। अब इसमें बिल्कुल दाने नहीं है, अब हम इसमें डालेंगे और पानी और हम इसको बनाएंगे पकौड़े लाइक। चलो दोस्तों ये बेसन तैयार हो गया, मैंने वो जो बनाया था स्टफनी बनाया था, पहले मसाला बनाया था उसको लिया हूँ, ये ब्रेड में लिया हूँ, ठीक है जी। ये ब्रेड का पीस ले लीजिए ऐसे, इसको आपको ऐसे ब्रेड में भरना है, ब्रेड में पूरी पूरी भरिएगा तभी इसका बढ़िया स्वाद आता है खाने में, ठीक है जी। ऐसे करके आप अच्छी तरह भरिए, इसके ऊपर एक ब्रेड और लगा दीजिए, बस ऐसे रखते जाइए। बार हम मार्केट में खाते हैं वो एक ही चम्मच मसाला भरते हैं, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो हम मसाला बढ़िया से भरते हैं, भरेंगे इसको ऐसे भर के सारे रख देंगे एक एक करके। हाँ जी दोस्तों मैंने सारा भर लिया है स्टेपनी, ये देखिए ऐसे भर के आपको सिखाया था, ये देखिए ऐसे भर के पूरा पूरा मैंने रख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, देखिए इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे टेपर में काटेंगे इनको, ठीक है जी। ये देखिए ऐसे काट लिए मैंने, ऐसे रख लेंगे, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा तीन तीन चार चार पीस ले रहा हूँ, आप एक एक दो दो करके भी काट सकते हैं, करके भी काट सकते हैं। देखिए मसाला बन गया है, ये स्टेपनी मैंने भर के रख लिया है, ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना है, पहले तेल देखते हैं थोड़ा सा कि तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा हम ब्रेड का किनारा तोड़ के लेके इसमें डाल देते हैं। हाँ हाँ फर्स्ट क्लास तेल गर्म हो गया है, इसको हम बेसन में ऐसे करके डुबाएंगे, ठीक है जी। ऐसे करके ये देखिए एक एक करके डाल देंगे, पक गए हैं, देखिए लाल लाल हो गए पकौड़े, ये देखिए एकदम ब्राउन हो रहे, मैं इनको निकाल लूँ, ये देख लीजिए, ठीक है जी। ऐसे कलर आना चाहिए ताकि पूरा पूरा पक जाए, देखिए एकदम ब्राउन हो चुके हैं, देखिए पूरा सेम मार्केट के जैसे पकौड़े लग रहे हैं। ऐसे करके फ्राई करिएगा सारे पकौड़े को, ठीक है। हेलो दोस्तों मेरा पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी है, मैंने सेल्फ करा है, आप इंजॉय करिए बनाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।
कमेंट करिएगा। ये देखिए ये मैंने बनाया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन अदरक की चटनी, ये टमाटो सॉस, ये चिल्ली सॉस, ठीक है जी, इसके साथ सर्व कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मेरा डिश?